नमस्कार बच्चों, अपना जो लेसन चल रहा है साझेदारी का सामान्य परिचय, उसमें अपना टॉपिक चल रहा है लाभों की गारंटी। गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कल। गारंटी है वो चार प्रकार की होती है। एक वह गारंटी जो फर्म किसी साझेदार को देती है। नंबर एक पे है फर्म द्वारा साझेदार को वो गारंटी। फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। नंबर दो, साझेदार द्वारा द्वारा साझेदार को गारंटी। नंबर तीन, साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी नंबर चार, साझेदार द्वारा फर्म को व फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। तो ये चार प्रकार की गारंटी है। फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी, गारंटी बाय फर्म टू साझेदार टू पार्टनर, गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म एंड गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर और पार्टनर टू फर्म। चार प्रकार की गारंटी है। सबसे पहले जो अपनी गारंटी है वो है फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। इसमें एक फर्म यानी एक साझेदार को छोड़कर अन्य सभी साझेदार उस साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी देते हैं। न्यूनतम का मतलब कम से कम इतना लाभ आपको कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, यानी मिनिमम जो प्रॉफिट है उसके बारे में उसे बता देते हैं कि आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, चाहे फर्म में लॉस होए चाहे कितना ही प्रॉफिट होए, मिनिमम उतना मिलेगा। तो मिनिमम का मतलब है अगर उसके हिस्से में ज़्यादा आता है तो उसे फिर ज़्यादा ही मिलेगा। तो पहले अपने करते हैं फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। फर्म जब साझेदार को गारंटी देती है, फर्म जब साझेदार को गारंटी देती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुल लाभ में से उस साझेदार का हिस्सा अलग करना है जो उस साझेदार को देना है या उस जिसकी गारंटी उस साझेदार को दी गई है। शेष लाभ जो बचेगा वो शेष साझेदार अपने लाभ अनुपात में बांट लेंगे। जैसे देखो, मान लो किसी फर्म में ए बी और सी तीन साझेदार हैं, उनका लाभ हानि अनुपात 3:2:1 है। अब लाभों को वो 3:2:1 में बांटते हैं। सी को न्यूनतम 20,000 रुपये लाभ की गारंटी दी गई है। सी को न्यूनतम वो कितनी गारंटी दी गई है, 20,000 रुपये लाभ की गारंटी दी गई है। इसका मतलब वो आके सी के हिस्से में कम से कम 20,000 का प्रॉफिट आएगा। अगर फर्म है वो अधिक प्रॉफिट कमाती है और उसके हिस्से में ज़्यादा आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20,000 से कम नहीं लेगा वो। मान लो फर्म ने फर्म का जो प्रॉफिट है वो कुल है वो 60,000 रुपये है। फर्म का प्रॉफिट है 60,000 रुपये। अब फर्म का प्रॉफिट 60,000 है तो पहले क्या करेंगे, अपने सी का हिस्सा इसमें निकाल के देखेंगे। तो 60,000 का
सी का जो हिस्सा है वो एक बटे छः है, तो इसका एक बटे छः निकालेंगे। तो 60,000 का एक बटे छः हो गया 10,000, यानी उसके हिस्से में कितना आया 10,000, लेकिन उसे गारंटी तो 20,000 की दी गई है, इसलिए क्या करेंगे फर्म उसे पहले 20,000 का लाभ देंगे। अब सी का हिस्सा सी का जो लाभ में हिस्सा है वो कितना रहेगा, सी का लाभ में हिस्सा रहेगा 20,000, क्योंकि 20,000 और 10,000 दोनों में से ज़्यादा कौन सा है 20,000 है, तो हिस्सा कितना रहेगा 20,000 रहेगा। शेष लाभ बचा, शेष लाभ अपने बच गया 60,000 टोटल लाभ था, जिसमें 20,000 उसका हिस्सा घटा दिया, शेष लाभ बचा 40,000, शेष लाभ बच गया 40,000। अब 40,000 को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, तो ए का लाभ में हिस्सा चालीस हजार का 3/5, 40,000 का 3/5, ए का लाभ में हिस्सा आ गया 24,000, बी का लाभ में हिस्सा 40,000 का 2/5, यानी कितना आ गया 16,000। तो ए को तो लाभ में हिस्सा मिला 24,000, बी को मिला 16,000 और सी का लाभ में हिस्सा 20,000। कुल लाभ अपने पास था 60,000, उसे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये अपनी पहली विधि होगी फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। तो जब फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी दी जाती है तो पहले आपको फर्म के कुल लाभों में से उस साझेदार का हिस्सा अलग करना है जिसे फर्म ने गारंटी दी है। तो फर्म ने गारंटी दी सी को, और सी को गारंटी दी गई वो न्यूनतम 20,000 रुपये की दी गई है, लेकिन उसका हिस्सा निकालते हैं तो उसके हिस्से में जो लाभ है वो 10,000 आता है, लेकिन उसे गारंटी मिली है 20,000 की, तो उसे लाभ है वो 20,000 रुपये मिलेगा। अब शेष जो लाभ बचेगा उसे ए और बी अपने लाभ अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 40,000 बचा, 40,000 को ए बी बांट लेंगे अपने लाभ अनुपात 3:2 में, सी को अलग कर देंगे 3:2 में बांटेंगे, तो इसका 3/5 और इसका 2/5। तो ए का लाभ में हिस्सा हो गया 40,000 का 3/5 यानी 24,000, और बी का लाभ में हिस्सा हो गया 40,000 का 2/5 यानी 16,000, और सी का हिस्सा हो गया 20,000। तो ये अपनी पहली विधि होगी फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी, फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। दूसरी जो अपनी गारंटी है वो है साझेदार द्वारा साझेदार को गारंटी। साझेदार द्वारा साझेदार को गारंटी, जब एक साझेदार क्या करता है दूसरे साझेदार को गारंटी देता है, इसे फर्म की कोई गारंटी नहीं होती। यानी कि मान लो किसी फर्म में 3 साझेदार हैं, तो सी को ए ने गारंटी दी है तो इसमें बी की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। यानी जो गारंटी में कमी रहेगी, जितना लाभ कम रहेगा सी के हिस्से में, उसकी पूर्ति मान लो ए करेगा। तो इसमें क्या करते हैं, लाभों को पहले सभी साझेदारों में
लाभ हानि अनुपात में बांट देते हैं। लाभों को क्या करते हैं, लाभ हानि अनुपात में बांट देते हैं, और फिर जो कमी रहती है जिस साझेदार को गारंटी मिली है उसकी कमी को उस साझेदार में से पूरा करते हैं जिसने गारंटी दी है, और अन्य साझेदार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सवाल को करेंगे अपने, मान लो किसी फर्म में ए बी और सी तीन साझेदार हैं, किसी फर्म में ए बी सी तीन साझेदार है, वही देखो लाभों को 3:2:1 में बांटते हैं। लाभों को 3:2:1 में बांटेंगे। अब ये मान लो सी को न्यूनतम 20,000 रुपये लाभ की गारंटी दी गई है। उदाहरण अपने वही लेते हैं, इसे इस तरीके से करते हैं। सी को न्यूनतम अब वो गारंटी कितने की दी गई, 20,000 की। सी को यह गारंटी ए द्वारा दी गई है, ए द्वारा गारंटी, यानी सी को जो गारंटी दी है वो किसने दी है, ए ने दी है कि अगर उसके हिस्से में कोई कमी रह जाती है तो उसकी पूर्ति है वो ए करेगा। ये साझेदार द्वारा साझेदार को हो गई, क्योंकि गारंटी किसने किसको दी, ए ने दी सी को। तो ए ने जब सी को गारंटी दी तो ये गारंटी किसके द्वारा किसको गारंटी होगी, ए द्वारा सी को गारंटी है। तो साझेदार द्वारा साझेदार को गारंटी। अब इसमें करना कैसे होता है, देखो पहले जब साझेदार साझेदार को गारंटी देता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सारे लाभों को उनके लाभ हानि अनुपात में बांट देते हैं। मान लो फर्म ने फर्म द्वारा कमाया गया लाभ फिर 60,000 रुपये है, फर्म द्वारा कमाया गया लाभ है वो कितना है 60,000। अब पहले क्या करेंगे, ये 60,000 रुपये ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले क्या करोगे, इन 60,000 को ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो पहले ए का लाभ में हिस्सा, ए का लाभ में हिस्सा, तो 60,000 का 1/3/6, तो 60,000 का 3/6 कितना हो गया 30,000, 60,000 का 3/6 हो गया 30,000। बी का लाभ में हिस्सा, अब 60,000 का 2/6, इसका आ गया अपना 20,000, और तीसरा आ गया सी का लाभ में हिस्सा, बराबर 60,000 का 1/6, ये आ गया 10,000। अब गारंटी है वो किसके द्वारा किसको दी गई है, गारंटी दी गई है ए द्वारा सी को। तो साझेदार द्वारा साझेदार को गारंटी है, जब ए सी को गारंटी देगी तो इसमें क्या होगा, जितनी कमी रही है वो अपने ए में से तो कम करेंगे और सी में उसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ए में तो क्या करोगे, ए में से कम करोगे, गारंटी ए ने दी है और उसे ऐड किस में करोगे, सी में करोगे। ए का जब लाभ में हिस्सा निकालोगे तो 30,000 में से पहले 10,000 घटाओ, क्यों घटाओ, क्योंकि इसकी गारंटी 20,000 की है और मिला इसे 10,000 है, तो प्लस इसमें 10,000 और ऐड कर देंगे। प्लस क्या करोगे, इसमें 10,000 और ऐड कर दोगे तो सी का लाभ में हिस्सा टोटल है वो कितना आ गया, 20,000 आ गया, कितना आ गया 20,000 आ गया। और बी पर इस वक्त का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि गारंटी किसने दी है, ए ने दी है। तो वो 10,000 रुपये क्या करोगे, ए में से तो कम कर दिए और सी में जोड़ दिए, तो सी ए का हिस्सा है वो 20,000 हो गया। तो ए का 20,000, बी का 20,000 और सी का भी 20,000, तो टोटल लाभ अपने पास कितना था, टोटल लाभ अपने पास था वो कितने का था, 60,000 का था।
जिसे हमने किस अनुपात में बांट दिया, ए बी सी में तीनों में बांट दिया, 20,000 ए का, 20,000 बी का और 20,000 सी का। कमी रही वो किसने पूर्ति कर दी, कमी है वो पूरी करी है वो ए ने करी है और सी के लिए पूरी करी है, ठीक है। ये गारंटी होगी साझेदार द्वारा साझेदार को गारंटी। तो जब साझेदार साझेदार को गारंटी देता है तो पहले लाभों को लाभ अनुपात में बांटना है और फिर जितनी कमी रहती है उस साझेदार के हिस्से में से कम करेंगे जिसने गारंटी दी है और उस साझेदार के हिस्से में करेंगे जिसके द्वारा गारंटी दी गई है। ये होगी साझेदार द्वारा साझेदार को गारंटी। नंबर 3 है साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, ये गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, यानी गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। पार्टनर ने गारंटी दी फर्म को, किस तरह से एक पार्टनर है वो फर्म को गारंटी किस तरह से देता है कि एक पार्टनर फर्म को जो गारंटी देता है वो ऐसे देता है कि वो न्यूनतम इतना लाभ कमा कर देगा, यानी कम से कम वो फर्म को इतना लाभ तो कमा कर ही देगा, जो वह कार्य करेगा उससे उस इतना लाभ होगा। अगर मान लो उससे लाभ कम रहता है तो फिर क्या करेंगे, पहले जितने रुपए उस साझेदार ने कम कमा कर दिए वो हम उसके नाम लिखेंगे, उसके डेबिट करेंगे और फिर उसे कुल प्रॉफिट में जोड़कर और तीनों जितने भी साझेदार हैं उनमें क्या करेंगे, अपने डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, जैसे किसी फर्म में ए बी और सी, किसी फर्म में ए बी सी तीन साझेदार हैं। अब ए बी सी ने लाभ देखो है, उनके लाभ अनुपात 3:2:1। अब आपको ये कहे कि फर्म ने लाभ कमाया, तो फर्म ने जो लाभ है वो कितना कमाया, मान लो कुल लाभ है वो फर्म ने 50,000 रुपये का कमाया, फर्म ने कुल लाभ है 50,000 का कमाया, सी ने फर्म को गारंटी दी, सी ने फर्म को गारंटी दी। अब सी ने फर्म को गारंटी दी है वो दी है कि वो न्यूनतम 20,000 रुपये प्रॉफिट फर्म को कमा कर देगा। सी ने फर्म को गारंटी दी है कि वो न्यूनतम 20,000 रुपये फर्म को कमा कर देगा। अब सी के द्वारा कमाया गया लाभ तो सी के द्वारा कमाया गया लाभ है वो 10,000 रुपये है। सी के द्वारा कमाया गया लाभ वो कितना है, वो 10,000 रुपये है और सी ने गारंटी कितने की दी, 20,000 की, और फर्म ने जो कुल लाभ कमाया वो 50,000 रुपये का है। तो उसकी कितनी गारंटी कम रह गई, तो उसकी कितनी गारंटी है वो कम रह गई 10,000 रुपये की। पहले क्या करेंगे, उस 10,000 रुपयों को हम उसके लाभ में जोड़ेंगे, पहले 10,000 को क्या करेंगे लाभ में जोड़ेंगे। 10,000 रुपये लाभ में जोड़ोगे तो फर्म का कुल लाभ है, यह इसको ऐसे लिखते हैं, सी के नाम लिखी गई राशि, सी के नाम लिखी गई राशि 10,000 रुपये। अतः
फर्म का कुल लाभ, अतः फर्म का कुल लाभ 50,000 तो वो हो गए, प्लस में हमने जो सी के नाम लिखे वो सी से मंगाएंगे, 10,000 रुपये इसमें ऐड कर दो। 10,000 इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो फर्म का कुल लाभ है वो 60,000 माना जाएगा। फर्म का कुल लाभ है वो कितना माना जाएगा, 60,000। अब इस 60,000 को क्या करेंगे, अपने ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब 60,000 को क्या करेंगे, ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए का लाभ में हिस्सा, ए का लाभ में हिस्सा 60,000 का 3/6, वो कितना आ गया अपना, 30,000। तो ए का लाभ में हिस्सा आ गया 30,000, बी का लाभ में हिस्सा 60,000 का 2/6, तो 60,000 का 2/6 इसके हिस्से में आ गया 20,000। और सी का लाभ में हिस्सा 60,000 का 1/6, 10,000। तो जब कोई साझेदार फर्म को गारंटी देता है तो पहले क्या करना है आपको, ये देखना है कि फर्म ने जो कुल लाभ कमाया उसमें जिस साझेदार ने फर्म को गारंटी दी क्या उसने वह टोटल राशि फर्म को कमा कर दी। अगर वह राशि उसने कमा कर नहीं दी तो क्या करना है आपको, पहले शेष राशि जो कम रहेगी वह उस साझेदार के नाम लिखनी है, उसके बाद उसे फर्म के कुल लाभ में जोड़ना है और साझेदारों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसमें देखो फर्म ने कुल लाभ वो 50,000 कमाया है, लेकिन सी ने जो गारंटी दे रखी है, सी ने जो गारंटी दे रखी है वो 20,000 की दे रखी है कि वो न्यूनतम लाभ वो 20,000 रुपये का कमा कर देगा। लेकिन सी ने लाभ कमाया कितना, 20,000 का। सी ने जो लाभ है वो 20,000 का कमाया है। अब सी ने कमाया लाभ कितने का, 20,000 का, सॉरी सी ने गारंटी दी 20 की, लेकिन सी ने कमाया कितना, 10,000 का। अब सी के नाम लिखी गई राशि कितने कम रह गए, उसने गारंटी 20,000 की दी और 10,000 उसने कमाए, तो 10,000 जो शेष रह गए उसके नाम लिख दिए। अब नाम लिख दिए तो 10,000 नाम लिखने के बाद फर्म का कुल लाभ 50 तो पहले था, 10,000 को जो कम रह गए वो सी के नाम लिख दिए, तो सी का जो कुल लाभ है वो कितना माना जाएगा, 60,000 रुपये माना जाएगा। सी का जो कुल लाभ है वो कितना माना जाएगा, फर्म का कुल लाभ है वो 60,000 माना जाएगा। इस 60,000 को ए बी सी तीनों में मान लेंगे, तो ए का लाभ में हिस्सा गया 60,000 का 3/6, कितना आ गया, 30,000। बी का लाभ में हिस्सा गया 60,000 का 2/6 यानी 20,000। और सी का लाभ में हिस्सा गया 60,000 का 1/6 यानी कि 10,000 रुपये। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम लाभ को बांट देंगे। तो अपनी टोटल विद्या थी 4, लेकिन उसमें से हमने 3 पढ़ ली। पहली कौन सी थी, फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। तो जब फर्म साझेदार को गारंटी देती है तो उसमें करना क्या है, जब फर्म साझेदार को गारंटी दे, सबसे पहले कुल प्रॉफिट में से उस साझेदार का हिस्सा अलग करना है जिसे फर्म ने गारंटी दी है। शेष जो लाभ बचे वो शेष साझेदारों में लाभानि अनुपात में वितरित करना है। दूसरी विधि थी अपनी साझेदार द्वारा साझेदार को गारंटी। साझेदार जब साझेदार को गारंटी देता है तो उसमें लाभों को पहले क्या करना था, अपने लाभों को पहले सभी साझेदारों में लाभानि अनुपात में बांटना था। उसके पश्चात जिस साझेदार ने फर्म को गारंटी दी है, जैसे साझेदार ने उस साझेदार को गारंटी दी है, जिस साझेदार ने गारंटी दी उसके हिस्से में से तो कम करना है और उस साझेदार के हिस्से में जोड़ना है जिसे गारंटी दी गई है, अन्य साझेदार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरी कौन सी होगी, साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। साझेदार द्वारा जब फर्म को गारंटी दी जाती है, साझेदार जब फर्म को गारंटी देता है तो उसमें क्या करना है, पहले ये देखना है कि क्या उस साझेदार ने फर्म को कुल लाभ कमा कर दिया है जितने की उसने गारंटी दी है। तो मान लो इसमें हमने देखा था कि सी ने फर्म को गारंटी 20,000 की दी थी और फर्म ने कुल लाभ 50,000 कमाया,
जिसमें सी के द्वारा कमाया गया लाभ 10,000 है। कहने का मतलब इस 50,000 में 10,000 के आय साथ में शामिल है। अब सी के नाम कितने रुपए लिखेंगे, क्योंकि उसने जो गारंटी दी है वो कितने की दी है, 20,000 की, लेकिन उसने लाभ कितना कमा के दिया, 10,000। तो सबसे पहला काम ये होगा कि उसके 10,000 रुपये अपने नाम लिखेंगे। इस तरह से फर्म का कुल लाभ तो 50,000 है, उसमें 10,000 रुपये वो ऐड करेंगे तो अपना कुल लाभ है वो कितना माना जाएगा, 60,000। तो पार्टनर में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एबीसी में, तो एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आएगा ए के लाभ में हिस्सा 30,000, बी के 20,000 और सी के 10,000। तो ये अपनी तीन विधियाँ होगी। चौथी विधि रहेगी फर्म द्वारा साझेदार को और साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, वो अपने कल करेंगे।